दोपहर अब तक न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं एक बहुत सनसनीखेज खुलासा करने जा रहा हूँ। सनसनीखेज यही है कि हमारे साथ में आज जो शख्स बैठे हुए हैं, ये इन शख्स का नाम है अमीन मंडल जी। जैसे कि आपको पता है, आज झारखंड में पिछले दो वर्षों से झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति यानी JVKSS की एक धूम मची हुई है, जिसके अध्यक्ष हैं टाइगर जयराम महतो जी। जयराम महतो जी के विचारों और प्रभावित होकर के अनेकों लोगों ने, अनेक बुद्धिजीवी, अनेक जो पार्टियों से, दूसरे पार्टियों से संबंधित बुद्धिजीवी लोग, तेज तर्रार लोग और बड़े बड़े नेता इससे जुड़ते जा रहे हैं, इनके टाइगर जयराम महतो जी के विचारों से। आज मिस्टर अमीन मंडल जी जो सरायकेला क्षेत्र में एक काफ़ी पुराने JMM के झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्य रहे हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा युवा के महासचिव हैं, तो अमीन मंडल जी आप तक न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने जाना कि आप जो इतने पुराने झारखंड मुक्ति मोर्चा के आप सदस्य हैं, कैडर रहे हैं, इतने बड़े पद पर रहे हैं, तो आप अपने बारे में पहले, सबसे पहले बताएं कि आप क्या करते थे और आज जो है JVKSS से जुड़े हैं, तो आप किस लिए जुड़े हैं। देखिए, मैं सरायकेला के युवा के उपाध्यक्ष थे और ये भी जुड़ने का कारण है मेरा कि इनका विचार, जयराम बाबू का जो विचार है, एक अलग दृष्टिकोण में यहाँ के लोग जान चुके हैं कि यही एक आदमी है, जो यही लड़का है जो कुछ करके दिखाएगा, क्योंकि यहाँ मान सम्मान की कमी है। झारखंड बनने के बाद भी हम लोग का कोई वजूद नहीं है, झारखंड खाली नाम का बना है, लेकिन हमारे जो बाल बच्चे हैं, जो आने वाला पीढ़ियों के लिए कोई नहीं सोचा। जहाँ तक झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात है, वो सीमित में रह चुकी है और हम लोग को खाली झारखंड के लोगों को खाली बहला फुसला के वोट का बैंक बना के रखा है, ना हम लोग के लिए कुछ कर रहा। लेकिन जयराम बाबू का, इनका जो राजनीतिक करने, इनका जो ये करने का जो ये है, ये बैकडोर से नहीं, माने आपका इनका मेन डोर से ये करते हैं, डंके के चोट पे करते हैं और वास्तविक चीज को ये उजागर कर रहे हैं ये तमाम लोगों को। देखिए, बहुत से लोग हमको बोला कि ये कुर्मियों की पार्टी है, ऐसा हम नहीं मानेंगे। कारण है, ये सब के लिए, तमाम उन जातियों के लिए, आदिवासी और मूलवासियों के लिए कर रहा है, जो इससे पहले कोई इस तरह का नेता नहीं किया है। मैं तो कहूँगा, जब जब इस धरती पर जुल्म हुआ है, तब तक एक महापुरुषों की यहाँ जन्म हुई है। जैसे निर्मलदा हुए, आपका बिरसा मुंडा हुआ, वही आइकॉन में हम लोग देख रहे हैं आपका जयराम बाबू का, जो उनका सोच है, इस सोच के चलते हम लोग इस पार्टी में जुड़े हैं। ये पार्टी नहीं, एक सामाजिक संगठन है, यहाँ आदिवासी और मूलवासियों का एक आह्वान है। जयराम बाबू का ये बहुत बड़ा देन है झारखंड में, जो आज युवा पीढ़ी पूरा एक साथ सब जाग चुका है। ये कोई कुर्मियों की पार्टी नहीं है, ये हमारे आदिवासियों की पार्टी है। तो अमीन मंडल जी, आप JVKSS में ज्वाइन किया, बहुत अच्छी बातें बताई। अभी आप जो कई वर्षों से आप झारखंड युवा महासचिव हैं, JMM के महासचिव हैं, युवा उपाध्यक्ष है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के आप थे और आप आज छोड़ दिए उसको और JVKSS के विचारों से प्रभावित होकर के इस पे आज ज्वाइन किए हैं, आप इसके इसमें आप आना चाह रहे हैं। अब ये बताइए, जो पिछले दिनों जो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो काम करती थी या अब जो कर रही है, उसके बारे में कुछ क्या कहना चाहते हैं? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो काम करने का जो शैली है, वो कुछ अलग है। यहाँ के लोगों को प्राथमिकता नहीं दे रहा, और जहाँ तक बात है, अगर पढ़ाई लिखाई, शिक्षा के व्यवस्था, कुछ नहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ये सब पहलू में बातें नहीं कर रहा, अपना खाली राजनीतिक रोटी सेक रहा है। इसीलिए झारखंड की जनता जान चुकी है और झारखंड के जितना युवा पीढ़ी अब जयराम बाबू के साथ है, और जयराम बाबू का जो उनका कार्यकलाप, जो उनका उसका जो शैली है काम करने का, ये झारखंड के प्रति आने वाला जो 2024 के चुनाव में ही वो बता देंगे कि जयराम बाबू का क्या स्टेटस है।
अमीन मंडल जी, आप काफी कद्दावर अपनी छवि रखते हैं अपने क्षेत्र में। आप सूढ़ी समाज जो कि आपके मंडल समाज का एक है, सूढ़ी समाज जिसको कहते हैं हमारे झारखंड में, सूढ़ी समाज के आप नेता भी हैं, तो अपने सूढ़ी समाज के लोगों को या क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ से हमारी हैंडलिंग होती है, राष्ट्रीय सूढ़ी समाज का प्रदेश महामंत्री होने के नाते काफ़ी लोग धनबाद से भी जुड़ चुके हैं, जो जान रहा है, जो इसका विचार से जुड़ना चाह रहा है, वो समाज के लोग काफ़ी जुड़े हुए हैं और इनका विचार से ही हम आज जुड़े हैं, यही मेरा टारगेट है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमीन मंडल जी, और हम आशा करते हैं कि आप भी जो है आने वाले दिनों में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति यानी JBKSS के बैनर तले अपने लोगों को, अपने क्षेत्र के लोगों को अपने विचारों से नया जागरूकता प्रदान करेंगे और झारखंड को एक नया झारखंड बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, जोहार, जय झारखंड।